सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं समोसा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप एक प्लेट ले लीजिए, उसमें मैदा डाल लीजिए, फिर इसमें आप नमक और अजवाइन डाल दीजिए। अब इसमें आप देसी घी डाल दीजिए। आप चाहे तो देसी घी की बजाय रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं। अब इसको आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। जब डो हमारा तैयार हो जाए तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। अब स्टफिंग के लिए एक पैन ले लीजिए, उसमें ऑयल डाल दीजिए। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो आप इसमें जीरा डाल दीजिए। जब जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आप इसमें नमक टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। अब इसमें आप हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसमें आप बॉयल आलू डाल दीजिए हाथों से मैश करके। आप चाहे तो इसमें हरी मटर, पनीर, मूंगफली, जो भी चाहे डाल सकती हैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आप हरी मिर्च काट के डाल दीजिए। आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकती हैं। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल गरम कर लीजिए। हमने जो समोसे का डो तैयार किया था उसमें से लोई निकाल लीजिए। अब उसको आप पूरी जितना बेल लीजिए। इसको आप चाकू से बीच में से काट लीजिए। अब इसका आप समोसे की शेप में एक कोन तैयार कर लीजिए। अब इसमें आप स्टफिंग भर दीजिए। आप चाहें तो इसके किनारों पे पानी लगाकर फिर उसको आप दबा दीजिए। आप चाहें तो ऐसे भी दबा सकती हैं। अब आप समोसे को मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। इसको दोनों तरफ से अच्छे से पलट पलट के फ्राई कीजिएगा। अब हमारे समोसे बनकर तैयार हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।